हरियाणा की सियासत में अल्पमत सरकार में आई नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार को गिराने के लिए जहां कांग्रेस और जेजेपी ने हाथ मिला लिया और कांग्रेस ने तो राज्यपाल से मिलने का समय देने की लिखित अर्जी दी है, वहीं जेजेपी ने भी राज्यपाल को समर्थन देने की चिट्ठी भेज दी। पर अचानक जेजेपी पर बीजेपी से भी बड़ा संकट क्यों आ गया? रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में ही प्रदेश की नायब सैनी सरकार के अल्पमत में आने से दो विपक्षी दल अब मौके का फायदा उठाकर इसका तत्कालिक और आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस ने जहां राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है, वहीं हुड्डा के जेजेपी से लिखित में समर्थन मांगने के चैलेंज को कबूल करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को सरकार के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन देने की चिट्ठी लिख दी। तो अब हुड्डा कह रहे हैं कि जेजेपी अपने 10 विधायकों की परेड तो कराए, ये उनके साथ है भी या नहीं। मैंने मेरी तरफ से कार्रवाई करी है, अब तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, अगला कदम तो कांग्रेस ने उठाना है, वो भी लिखित में दे। INLD और जो निर्दलीय हैं वो भी लिखित में गवर्नर को दे और इस सरकार के विरुद्ध में अविश्वास दे। 10 के 10 MLA परेड कर देगा गवर्नर, हमारे तो साथ भी जाएंगे, तो डाउट पाउडर का होगा, इनको परेड करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में अब 88 सदस्य रह गए हैं, क्योंकि मनोहर लाल और रंजीत चौटाला का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सरकार बचाने के लिए 45 विधायक चाहिए, जबकि इनके पास 40 अपने, 2 निर्दलीय और 1 हलोपा का समर्थन है, यानी अभी 2 विधायक कम है, जबकि विपक्ष के पास अब 45 विधायकों का समर्थन है। इसी बीच एक घटनाक्रम ये हुआ कि पानीपत में जेजेपी के 3 विधायकों देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजे खेड़ा और जोगी राम सिहाग की पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई है। यानी मनोहर लाल अब करनाल का लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ प्रदेश में बाकी सीटों पर प्रचार ही नहीं कर रहे, बल्कि नायब सरकार को बचाने के लिए भी सक्रिय हो गए हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं, और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है, और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है। और अब प्रदेश की सियासत में एक घटनाक्रम ये हो गया है कि दुष्यंत चौटाला जहां विश्वास मत के वक्त व्हिप जारी करने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके 7 विधायक उल्टे उन्हें अपना नया नेता चुनने की चेतावनी दे रहे हैं, यानी पार्टी पर ही कब्जे की तैयारी, जैसे महाराष्ट्र में NCP और शिवसेना के साथ हुआ है। गांधी जी ने या शास्त्री जी ने कभी ना सोचा होगा कि आगे चलकर देश की सियासत में ये रंग भी होंगे। हरियाणा ब्यूरो टोटल।